हेलो स्टूडेंट दिस वीडियो इज अबाउट कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। अगर कार्बन रेजिस्टेंस आपको गिवन है और उसके ऊपर आपको कलर्स की स्ट्रिप्स दी हुई हैं तो आप उसका कैसे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो सो वी हैव एक हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है लाइक बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ अरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकल्स इस स्टेटमेंट के थ्रू हम सारे कलर कोड्स और उनके जो रजिस्टेंस होंगे उनकी वैल्यूज़ को लर्न कर सकते हैं यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर आपको चार लाइने दी हुई हैं या वी कंसिडर दैट फोर स्ट्रिप्स जिनका हमें रजिस्टेंस फाइंड करना है आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर मतलब टोटल रजिस्टेंस हमें आर फाइंड आउट करना है आर वन इज द रजिस्टेंस ऑफ दैट फर्स्ट स्ट्रिप आर टू इज द रजिस्टेंस ऑफ सेकेंड स्ट्रिप आर थ्री इज द रजिस्टेंस ऑफ थर्ड एंड आर फोर इज द रजिस्टेंस विच वी कॉल्ड टॉलरेंस ऑफ दैट स्ट्रिप सो टोटल रजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट बी बी रॉय बी बी रॉय आर ओ वाई ग्रेट का जी ले लिया कैपिटल ब्रिटेन का बी हैज वेरी वेरी का वी गुड गुड का जी वाइफ और वियरिंग दोनों कैपिटल डब्ल्यू है इसीलिए एक डब्ल्यू लिया वियरिंग गोल्ड गोल्ड का जी एंड सिल्वर सिल्वर का एस नेकलेस के लिए कैपिटल एन तो दिस इज अ कोड सो बी फॉर ब्लैक कलर बी फॉर ब्राउन आर से रेड ओस फॉर ऑरेंज वाई से येल्लो जी सिग्निफाइज ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रीन वाइट गोल्डन सिल्वर एंड एन से नो कलर तो आर वन आर टू आर द रजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट टू स्ट्रिप्स अगर आपके पास ब्लैक कलर है इट मीन्स उसका रजिस्टेंस क्या होगा जीरो आर वन की भी वैल्यू जीरो और आर टू की भी वैल्यू जीरो अगर आपके पास ब्राउन कलर है इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वन आर वन आर टू की वैल्यू वन रेड के लिए वैल्यू टू ऑरेंज के लिए थ्री येल्लो के लिए फोर ग्रीन के लिए फाइव ब्लू के लिए सिक्स सेवन एट नाइन एंड गोल्डन सिल्वर और नो no कलर के लिए आर वन आर टू की कोई भी वैल्यू नहीं होगी आर थ्री इज द रजिस्टेंस ऑफ थर्ड स्ट्रिप उसकी वैल्यू अगर आपके पास ब्लैक कलर है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे टेन रेज टू पावर ज़ीरो ब्राउन है टेन रेज टू पावर वन रेड है टेन रेज टू पावर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वाइट तक नाइन सीरीज में चलेगी लेकिन जैसे ही गोल्ड एंड सिल्वर आया टेन रेज टू पावर माइनस वन सिल्वर के लिए वैल्यू टेन रेस टू पावर माइनस टू और नो no कलर के लिए कुछ भी नहीं एंड आर फोर इज द रेजिस्टेंस ऑफ फोर्थ स्ट्रिप विच मीन्स टॉलरेंस आर फोर यहाँ पे टॉलरेंस को डिनोट करता है तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस होगी प्लस माइनस फाइव परसेंट सिल्वर के लिए टेन परसेंट एंड नो कलर के लिए ट्वेंटी परसेंट सो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला यहाँ से है स्टैंडर्ड फार्मूला है ये आर वन आर टू मल्टीप्लाई बाय टेन रेस टू पावर आर थ्री प्लस माइनस आर रेस टू पावर प्लस माइनस आर फोर सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक कार्बन रेजिस्टेंस हैज कलर्ड बैंड एक कार्बन रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर कलर बैंड्स या हम स्ट्रिप्स कह सकते हैं और उनका कलर क्या है येलो, ग्रीन रेड एंड सिल्वर तो हमें क्या निकालना है उसका रजिस्टेंस तो देखो स्टूडेंट्स येल्लो के लिए येल्लो के लिए आर वन आर टू की वैल्यू कितनी थी फोर ग्रीन के लिए ग्रीन के लिए आर वन आर टू की वैल्यू कितनी है फाइव तो हम यहाँ क्या लिख देखो फॉर्मूले में आपको वन टू थ्री फोर चार रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है तो अगर आपको फोर कलर्स दिए हुए हैं तो वन टू थ्री फोर इस तरीके से वो चार कलर्स की वैल्यू फूट होगी तो येलो के लिए हो गई फोर ग्रीन के लिए हो गई फाइव रेड मल्टीप्लाई बाय टेन रेज टू तो पावर रेड के लिए कितनी वैल्यू है टेन रेस टू तो पावर टू तो, टेन रेस टू तो पावर टू तो, प्लस माइनस आर फोर टॉलरेंस किसकी सिल्वर की सिल्वर की टॉलरेंस कितनी थी टेन परसेंट सो दिस इज टेन परसेंट सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द टोटल रजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टेंस हैज कलर बैंड्स ऑफ़ डिफरेंट कलर्स स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है अगर आपके पास आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर की वैल्यूज दे दी लाइक फॉर एग्जाम्पल आर वन की वैल्यू दे दी आपको फोर आर टू के लिए दे दी सिक्स आर थ्री के लिए दे दिए टेन रेस टू पावर सेवन एंड आर फोर के लिए दे दिया टेन परसेंट और आपसे कहा है इस कार्बन रेजिस्टेंस uh, के कलर्स बताओ तो आर वन देखो आर वन के लिए फोर वैल्यू दी है फोर किसके लिए थे येल्लो इट मीन्स फर्स्ट कलर क्या आ गया आपका येल्लो सिक्स के लिए ब्लू सेकेंड कलर क्या आ गया ब्लू टेन डेज टू पावर सेवन मीन्स वॉयलेट कलर वॉयलेट एंड टेन परसेंट किसके लिए है टॉलरेंस सिल्वर सिल्वर तो आपसे ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे के कलर्स भी फाइंड आउट करवाए जा सकते हैं या फिर कलर्स देने के बाद आपसे रजिस्टेंस भी फाइंड आउट किया जा सकता करवाया जा सकता है सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कलर कोड्स